ट्रेन यहाँ आ गई तो नहीं ये विद्युत चट्टा ने देखी, ये क्या कारण है इसको देखने के लिए मैं अगले बरखेड़ा नाम के स्टेशन पर उतर गया और फिर उस जंगल से यहाँ आया जो पहली चट्टा उसी में पेंटिंग मिले। और तब से ये 1957 की बात है, 23 मार्च 1957। ये वो तमाम दृश्य हैं हमारी सभ्यता और संस्कृति के जिसके चितौरों को हम जानते नहीं कि किन्होंने बनाए, क्यों बनाए, कैसे बनाए, लेकिन वो कई हजार साल बाद भी हमारे बीच है। भारत की पावन धरती पर जन्म लिया एक धरती पुत्र ने, जिसने धरती के भीतर झांक कर साबित कर दिया देश की प्राचीनता को, उसकी समृद्धि, उसकी विविधता, उसके ज्ञान और कला के भंडार को, उसके गौरव को। धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा। और सर खाली नहीं बैठते थे, चित्र बनाते रहते थे, बड़ा महान है। भारत को भारत की दृष्टि से देखने समझने वाले पुरातत्ववेत्ता। और वो उनकी खासियत थी, वो जब भी जहाँ भी जाते थे वो जो मिलता जमीन से वो उठा लेते थे अपने पॉकेट्स में डाल के घुमा करते थे। भारत को उसकी अपनी कल्पनाओं से उकेरने वाले और अपने ही रंगों से रंगने वाले चित्रकार। सर अपनी खोज खुद बताएंगे, ये एक बहुत नया अनुभव होगा और बहुत रेयर होगा। बोले हमें गर्व होता है हमारे देश के पुरावी वाकणघर पर, ये शब्द श्रीमती इंदिरा गांधी के। राष्ट्रत्व से ओत प्रोत कवि। देश का जो पुराना प्राचीन वैभव था विश्व के सामने आना चाहिए। तो 94 में इंटरनेशनल कांग्रेस हुई थी राकाट की, तो उस समय डिसीजन लिया था कि भीमबेटका का इतना प्रसिद्ध स्थान है वो वर्ल्ड हेरिटेज में आना चाहिए। सरस्वती की खोज उनकी अन्य प्रमुख उपलब्धि रही। जीवन बीता था विद्यार्थी परिषद में, जीवन बीता था प्रचारक का, ये सब उनके जीवन में ऐसा बना हुआ था। बड़ी बड़ी सेमिनार में जाना लेकिन फिर भी कार्यालय पर ही जाकर रहना, एक सरलता का अद्भुत दर्शन। यही तो हमारी ज्ञानवर्धिनी है, यही तो वो सारा क्षेत्र है जहाँ पर वैदिक वाङ्मय का विकास हुआ, यही तो वो सारा क्षेत्र है जिनमें जिनमें से हमने और वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को जन्म दिया। शकायो नमस्ते नमस्ते।